प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज्योतिष पथ और मैं हूं आपके शांत पंडित भास्कर राव। बात करेंगे 31 जुलाई दिन राशिफल की। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों, आज आप स्वयं को शांत बनाए रखें, क्योंकि आज आपको ऐसी कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है जिनके चलते आप काफ़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। खास तौर पर आज आपको अपने गुस्से को काबू में रखना है, क्योंकि यह और कुछ नहीं बल्कि थोड़ी देर का पागलपन है। रियल इस्टेट संबंधी निवेश आपको अच्छा खासा मुनाफा देंगे। बात करते हैं राशि चक्र की दूसरी राशि वृष राशि की। वृष राशि के जातकों, आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी प्रगति निश्चित है। माता पिता की मदद से आप आर्थिक तंगी से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे। दोस्त मददगार और सहयोगी रहेंगे। प्रेम जीवन की डोर को मजबूत बनाए रखना चाहेंगे, तो किसी तीसरे की बातों को सुनकर अपने प्रेमी के बारे में राय ना बनाएं। बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन की। मिथुन राशि के जातक, आज आलस्य और कम ऊर्जा स्तर आपके शरीर के लिए जहर का काम करेंगे, इसलिए आलस्य त्यागें। किसी सृजनात्मक कार्य को करने के लिए खुद को व्यस्त रखना होगा, साथ ही बीमारी से जूझने के लिए खुद को उत्साहित रखें। माता पिता की मदद से आर्थिक तंगी से बाहर निकलने में आप कामयाब होंगे। बात करते हैं राशि चक्र की चौथी राशि कर्क की। कर्क राशि के जातकों, आज आप अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए गंभीर तौर पर प्रयास करेंगे। आपका कोई दोस्त आपके पास आज बड़ी रकम उधार में मांग सकता है। अगर आप उसे यह रकम देते हैं तो आप आर्थिक तंगी का सामना कर सकते हैं। कुछ लोग आपकी झुंझलाहट की वजह से बन सकते हैं, उन्हें नज़रअंदाज करें। बात करते हैं राशि चक्र की चौथी राशि सिंह की। सिंह राशि के जातकों के लिए आज अवांछित यात्राएं थकाऊ साबित होंगी और बेचैनी का कारण बन सकती है। मांसपेशियों को आराम देने के लिए शरीर की तेल से मालिश करें। आज आपको अपने भाई या बहन की मदद से धन लाभ होने की संभावना है। बात करते हैं अब राशि चक्र छठवीं राशि कन्या की। कन्या राशि के जातकों, आज का राशिफल आपके लिए आशावादी बनने का संदेश लेकर आया है, साथ ही साथ जीवन के उजले पक्ष को निहारने की बात समझा रहा है। आपका विश्वास और उम्मीद ही आपके लिए आशाओं के नए दरवाजे खोलेगा। आज सफलता का मंत्र यह है कि उन लोगों की सलाह पर पैसे लगाएं जो मौलिक सोच रखते हों और साथ ही साथ अनुभवी भी हों। बात करते हैं राशि चक्र की सातवीं राशि तुला की। तुला राशि के जातकों, आज का दिन आपको मौज मस्ती की यात्राएं और सामाजिक मेलजोल देते हुए खुश रखेगा और साथ ही साथ सुकून प्रदान करेगा। दिन चढ़ने पर वित्तीय तौर पर सुधार आएगा, रिश्तेदारों से सहयोग मिलेगा और दिमागी जो बोझ है उससे भी छुटकारा प्राप्त होगा। आइए अब बात करते हैं राशि चक्र की आठवीं राशि वृश्चिक की। वृश्चिक राशि के जातकों, आज आप यदि दूसरों के साथ खुशी बांटते हैं तो उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। जिन लोगों ने जमीन खरीदी थी, यदि आप उसे बेचना चाहते हैं तो उन्हें कोई अच्छा खरीदार मिल सकता है, साथ ही साथ उस जमीन से अच्छा खासा धन लाभ होगा। बच्चे आपके घरेलू काम में आपकी मदद करेंगे। बात करते हैं नौवीं राशि धनु की। धनु राशि के जातकों, आज के दिन गतिविधियों में बाहर की गतिविधियां और खेलकूद को शामिल करें, जिससे आपके जीवन में प्रसन्नता में बढ़ोतरी हो सके। साथ ही साथ अगर आप लंबे वक्त के लिए निवेश करते हैं तो यह अच्छा खासा फायदा देगा। आज आप अपने जीवन साथी का बोझ दूर करने के लिए घरेलू काम में उसका हाथ बटाएं। आपको उनके साथ काम करके आनंद मिलेगा और एक नया जुड़ाव आप महसूस करेंगे। बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के जातकों, आज आपको सतर्क रहना है, चौकन्ने रहें, क्योंकि कोई आपको बलि का बकरा बना सकता है। तनाव और चिंता में इजाफा मुमकिन है। आर्थिक तौर पर बेहतरी के चलते आपके लिए जरूरी चीजें खरीदना आसान होगा। आपकी महत्वाकांक्षाओं को ऐसे बड़ों के साथ बांटें जो आपकी सहायता कर सके। शाम को प्रिय के साथ रोमांटिक मुलाकात और साथ ही कहीं लजीज खाना खाने के लिहाज से आज का दिन बहुत बढ़िया है। बात करते हैं 11वीं राशि कुंभ की। तो कुंभ राशि के जातकों, आज दांत दर्द पेट की तकलीफ आपके लिए परेशानी खड़े कर सकती है। तुरंत आराम पाने के लिए अच्छे चिकित्सक की सलाह लें।
आज आप अच्छा पैसा कमाएंगे लेकिन खर्च में इजाफा आपके लिए बचत को और ज्यादा मुश्किल बना देगा। आइए बात करते हैं राशि चक्र की आखिरी राशि मीन की। तो मीन राशि के जातकों, आज आसपास के लोगों का सहयोग आपको सुखद अनुभूति देगा। अगर आपने अपने घर में किसी सदस्य के से उधार लिया था तो उसे आज लौटा दें, नहीं तो आपके खिलाफ वह कानूनी कार्रवाई कर सकता है। पारिवारिक सदस्यों के साथ साथ सुकून भरे और शांत दिन का लुत्फ लें। तो दोस्तों, ये था आज का राशिफल और सभी राशियों का हाल। यदि आप इस राशिफल के कार्यक्रम ज्योतिष पथ को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। अगर आप इसे Insta पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक एवं फॉलो कीजिए। तो दर्शकों, कल फिर से मुलाकात ज्योतिष पथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।